अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रियलिस्टिक फोटो बनाने के लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा हम लोग अल्ट्रा फोटो रियलिस्टिक कैसे बना सकते हैं। रियलिस्टिक फोटो बनाने के लिए हम लोग डिफरेंट फोटो यूज करने वाले हैं। इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग जिस साइट का इंतजार कर रहे हैं वो है साइट गूगल कोलैब। गूगल कोलैब को ही यूज करने से फोटो को किस तरह रियलिस्टिक बना सकते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फोटो को किस तरह अपलोड कर सकते हैं या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये सब कुछ सिनेमैटिक सी लगे और जो इमेज कैमरे से ली गई हो उसको रियलिस्टिक फोटो बना सकते हैं। चले शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ सिंपल ब्राउजर पे और ये ऊपर लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोगों ने जस्ट क्लिक करना है और आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि ये वाला प्रॉम्प्ट को हमने डिलीट कर देना और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक नया प्रॉम्प्ट दूंगा, उसको आपने जस्ट सिंपल पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद सिंपल ये प्ले वाले बटन पे हमने क्लिक कर देना है। ये इंटर का बटन है जिसे हम रन अवे का हमें ऑप्शन आता है और हम जस्ट सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। इसके बाद हम लोगों ने सिंपल नीचे आना है और नीचे आने पर रनिंग ऑन पब्लिक यूआरएल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक होने के बाद हमारी न्यू विंडो ओपन होगी और इधर मैं ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करने लगा हूँ। सिंपल पेस्ट करने के बाद हम लोग जस्ट इस पे एडवांस पे क्लिक करेंगे। मैं इधर सिलेक्ट करता हूँ एस्पेक्ट रेशियो 1080 और इमेज कर देता हूँ 4। आप अपने मुताबिक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और स्पीड पे रहने देता हूँ। स्टाइल में मैं इधर फोकस एनहांस, फोकस शार्प, फोकस मास्टर फेस और इधर से SAI एनहांस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मॉडल पे चलते हैं, इधर फोटो रियलिस्टिक और यहाँ पे मॉडल को सेम ही रहने देना है और सिंपल हमने एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद मैं इधर कर देता हूँ गाइडनेस स्केल को 7 और इमेज शार्पनेस को कर देता हूँ राउंड बॉन्ड 10 और एडवांस डिबंग मोड को ऑन कर देते हैं। हमें मोर ऑप्शन मिल जाएंगे इमेज को रियलिस्टिक बनाने में, रियल बनाने में। यहाँ पे ये सेम रहने देते हैं। CFG मी मेकिंग को हम लोग इधर 7 मैंने किया हुआ ऑलरेडी ये 7 होता है, मैं इसे कम कर देता हूँ, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इसके बाद मैं सिंपल इस पे जनरेट पर क्लिक कर देता हूँ। जनरेट पर क्लिक होने के बाद हमारी इमेज जनरेट होना शुरू हो गई है, जैसा कि आप लोग ये नीचे देख भी सकते हो। इस पे क्लिक करके अपनी इमेज को चेक भी कर सकते हैं और इसे सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसके सेटिंग में जाके नेगेटिव प्रॉम्प्ट में ये चीजें खत्म करके एक न्यू प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। मैं एक न्यू इमेज आपके सामने एक और जनरेट करूंगा जो कि 4 ही होंगी और एस्पेक्ट रेशियो सेम रहने देता हूँ। स्टाइल में जाके इसे ISAI एनहांस को खत्म करके इधर SAI फोटोग्राफी पे क्लिक कर देता हूँ। मॉडल में जाकर ये सेम रहने दूंगा, पहले भी नहीं हमने किया था इसे। और यहाँ पर मैं इसे कम कर लेता हूँ, 4 कर देता हूँ और सैम्पलर को इधर से चेंज करके 3M GPU सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जस्ट इधर सिंपल जनरेट पर क्लिक कर देता हूँ और ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट इमेज जनरेट होना शुरू हो गई है।
हमारी 4 इमेज जनरेट हो गई हैं और आप लोग इसकी क्वालिटी भी चेक कर सकते हो। मैं इस पे क्लिक करके आप लोगों को क्वालिटी भी दिखा सकता हूँ और ये ओरिजिनल फोटो रियलिस्टिक इमेज जनरेट हो गई है। इसके बाद हम लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पर इनपुट इमेज मतलब अपनी इमेज ऐड करके भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी इमेज को रियलिस्टिक बना सकते हैं ये सारे टूल यूज करके, स्टाइल, मॉडल, एडवांस वगैरह। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। We'll be right back.